अगली खबर में बात करते हैं टीकमगढ़ की, जहां टीकम जिले के खरगापुर विधानसभा के बेलसी गांव में विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शिविर लगाया। शिविर में एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार श्री मिश्रा, बीएमओ सिद्धार्थ रावत, जनपद सीईओ प्रभास कुमार घनघोरिया और सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में 4 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। सभी ने अपने अपने आवेदन विधायक को दिए, जिन आवेदनों पर अधिकारियों ने जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा। जन समस्या निवारण शिविर में 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा, सभी आवेदनों का निराकरण 7 दिवस में किया जाएगा। शिविर के दौरान विधायक ने कहा, कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, 1 महीने से अधिक शिविर का आयोजन जगह जगह किया जाएगा। जिन लोगों ने पिछले शिविर में आवेदन दिए थे, उन लोगों को आदेश दिए गए हैं और लाभ दिया गया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा ने कहा, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। और उन्होंने कहा, जिनकी भी जाति प्रमाण पत्र बनने हैं वह आवेदन करें, जिससे जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सके। आज हमारे खरगापुर विधानसभा की भेलसी ग्राम पंचायत है, इसके आसपास के 4-5 गांवों को जोड़ते हुए भेलसी में प्रधानमंत्री जनसेवा का कैंप लगाया गया। इसमें करीबन 100-150 आवेदन आए और पिछला जो कैंप था उसमें जो आवेदन आए थे उनका सर्टिफिकेट, उनका जैसे बीपीएल बनना था बीपीएल, उनके और भी जो सहायता थे सहायता जो भी अब यहाँ पे सब ला के उनको तत्काल यहाँ पे बांटा गया। जो भी नए आवेदन आए हैं उनके लिए बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई होगी, उस पर तत्काल अगला जो कैंप लगेगा उसमें उनको बांट देंगे। अगला कैंप कहाँ लगाया जाएगा? अगला कैंप हटा लगाने वाले हैं, हटा अगर नहीं लगेगा तो आसपास के जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ लगवाएंगे। और जो जिनको जिनको जैसे जो हितग्राहियों को लाभ मिल जाता है, जिनके आदेश जारी हो जाते हैं, तो उनको फोन करके जो भी अगला कैंप होता है वहाँ बुलवा लेते हैं, तो वहाँ वो आके उसको अपना जो क्रेन मशीन आई है उसका आज उद्घाटन हुआ हमने। और बलेरा में तो थी, खरगापुर में नहीं थी। जैसे ऊपर लाइट वगैरह लगानी पड़ती थी खम्भे में तो बड़ी समस्या होती थी। नई क्रेन मशीन आई है, बहुत अच्छी मशीन है, नए सिस्टम के हिसाब से बढ़िया जैक वगैरह लगा हुआ है, तो आज इसका उद्घाटन करके आए। तो आसपास के क्षेत्र में लाभ होगा अपने को, जहाँ लाइट गोल होती है, जहाँ बदलना पड़ता है लाइन मैन, ऊपर चढ़ते उतरने में दिक्कत होती है, वहाँ उसको लाभ होगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर चल रहे हैं और माननीय विधायक महोदय स्वयं जाके प्रत्यक्ष शिविर ले रहे हैं। तो पिछले शिविर में जो जिन जिन अधिकारियों को लिए गए थे, चाहे जो उनके विभाग से संबंधित अधिकारी थे, उसमें से अधिकतर हो गए या फिर जो कुछ उसमें नियम के तहत कार्रवाई होती है वो भी बिल्कुल चालू है। और उसका जानकारी जो है वो संबंधित हितग्राही को मैसेज और कॉल के माध्यम से भी जा रहा है। जैसे आज भी जो शिविर आयोजित हुआ भेलसी में, यहाँ लगभग 200 आवेदन पर विचार किया गया समक्ष में, जिनमें से अधिकतर आवेदन जो पहले से दर्ज थे या सामने आए, तो आज के आज पंचायत विभाग के कई आवेदन संबल के, वृद्धावस्था पेंशन के समक्ष में ही उनको दिए गए, उनको लाभ दिया गया। कुछ बीपीएल लगभग 20 से 22 आवेदन आए, जिनमें से 8 से 10 लोगों को अभी दिए गए, कुछ और बाकी हैं, माननीय विधायक महोदय ने अपने सामने सबके दिए, संबल के कार्ड अपने सामने दिए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हो, जैसा अभी माननीय विधायक महोदय ने बताया कि इससे सही में लोगों को लाभ हो रहा है, लोग खुलकर अपनी बात बता पा रहे हैं। और जो नहीं पहुंच पा रहे थे किसी कारणवश, या उनकी पहुंच कहीं नहीं हो पा रही थी, संबंधित नियम कानून की जानकारी नहीं थी, तो वो भी यहाँ पर बता रहे हैं, वो समक्ष में ही सुनवाई करके उसका निपटारा भी हो रहा है।